हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कुकिंग टाइम विद हमीता में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, तो देखिए आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। जो मैं आज बनाने वाली हूँ उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया, अब इसमें मैं तेल डालते रही हूँ। जो भी आप कुकिंग तेल यूज करते हो वो तेल आप डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें सबसे पहले सरसों, थोड़ा सा पीला सरसों मैंने ले रखा है उसको डाल देंगे। इसके बाद तेज पत्ता, एक तेज पत्ता मैंने ले रखा है उसको दो आधे में मैंने कर रखा है। अब इसमें चुटकी भर जीरा इसमें डाल देंगे। आठ मैंने कड़ी पत्ता ले रखा है, आठ कड़ी पत्ता डाल देंगे। और एक प्याज, इसको मैंने थोड़े छोटे स्लाइसिस में काट रखा है, इसको हम डाल देंगे इसमें। ये देखिए फ्रेंड, इन सबको डाल लेंगे। अब इन सबको चला देंगे। आप अगर हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट बनाना चाहते हैं तो ये अच्छा अवसर है आपके लिए, ऑप्शन भी है आपके लिए कि आप हल्का फुल्का कुछ भी बना कर फटाफट बना के खा सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा, अब इसमें मैंने थोड़े से चने के दाल दे ले रखा है, उसको मैंने धो रखा है। अब इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, अब इसमें डाल देंगे। अब इन सबको 2 मिनट के लिए चला लेंगे, सॉरी 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इसी तरह चला लेंगे। चला के उसके 2 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा सा लाल हो जाए इसके लिए। ये देखिए अब इसमें 2 मिनट हो गया। अब इसमें मैं आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, अब इसमें मैं डालने वाली हूँ खाने के जहाँ नमक स्वाद अनुसार, 1.5 चम्मच नमक, अब इसमें 1/2 चम्मच सब्जी मसाला। अब इन सबको चला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, अब इसमें मैं सूजी ऐड करते रही हूँ। सूजी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, आपको कितना बनाना है, कितने आदमी के लिए बनाना है। मैंने 3 आदमी के लिए बनाया है इसलिए मैंने थोड़े से सूजी डाले हैं। अब इन सबको चला लेंगे, अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, इन सबको हम मिला लेंगे। 1 सेकंड के लिए पकने देंगे। देखिए फ्रेंड, अब इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ, मीडियम कटोरी से 1 कटोरी पानी। अब इन सबको पकने देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है। ये देखिए सूजी पकने भी लगा है थोड़ा सा, ये लगे, इसको मैं तोड़ दे रही हूँ। अब इन सबको मेन रीज़न होता है पानी डालने के बाद पकाने का ही, इन सबको अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, देखिए चना भी दिखाई दे रहा है, तेजपत्ता कड़ी पत्ता सब दिखाई दे रहा है, कितने अच्छे तरीके से, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। ये देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे तरीके से गलने लगा है, पानी भी सूखने लगा है। ये देखिए थोड़ा सा भी, और इसको चला लेंगे।
पानी को अच्छे से पका लेंगे इसमें से सोख जाए पानी पूरा। उसके बाद ये देखिए पानी पूरा अच्छे तरीके से जो पानी डाल रखे थे उसमें अच्छे तरीके से ये पक चुका है। ये देखिए पानी पूरा ख़त्म भी हो गया इसमें से। अब मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड ये फटाफट उप तो ये लीजिए फ्रेंड फटाफट उप में बन के रेडी है। अब मैं इसे गार्निश कर ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड वाओ सो यमी। ये देखिए फ्रेंड गर्मा गर्म उपमा। तो इसे मैं हरे पत्ते धनिया के साथ गार्निश कर ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड ये हमारा गार्निश भी हो गया। ये लीजिए फ्रेंड तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगे। ये देखिए फ्रेंड वाओ कड़ी पत्ता तेज पत्ता चना की दाल सो यमी वाओ। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।